दोस्तों सिगरेट जिसको पैकेट में ही लिखा होता है कि इसको पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 27% लोग सिगरेट का सेवन करते हैं। लोग इसको पीकर इसका बचा हुआ भाग जिसे सिगरेट बट कहते हैं उसको कहीं भी फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिगरेट बट को मिट्टी में विघटित होने में 10 से 12 साल का समय लग जाता है और इसमें 50 से ज़्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मिट्टी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए 30 वर्षीय नमन गुप्ता ने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की है जो सिगरेट बट को रिसाइकिल करके उससे यूजफुल चीज़ें बनाते हैं। नमन गुप्ता के अनुसार सिगरेट बट में 3 प्रकार के अपशिष्ट होते हैं। एक तो सिगरेट बट का कागज, उससे निकलने वाली तंबाकू और सिगरेट बट का फिल्टर। बट के कागज से लिफाफे जैसी चीजें बन जाती हैं। रही बात तंबाकू की, तो उसको एक गड्ढे में डालकर उसमें बैक्टीरिया वगैरह डालकर उसे जैविक खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। और सिगरेट बट के फिल्टर को साफ करके उसे केमिकल रहित बनाकर उससे तकिया या सॉफ्ट टॉयज जैसी चीजें बना लेते हैं।